बिजली वाले तार लगा रखे हैं या झटके वाली मशीन लगा रखी है, वो आज रात तक उन तारों को खुलवा ले। अगर नहीं खुला तो कल तक आप लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। अब ऐसे देखो ना भैया, जाओ जल्दी खेतवा में दौड़ के जाओ और वहाँ पर देखो कहूँ झटके वाला ये बिजली वाला तार तो नहीं बांधे पड़े हो। अगर बांधे पड़े तो जल्दी हटा दो भैया, वरना साहब मुकदमा लिख देंगे। हैरान होते मामा सुरदेश बार बंकी जिले के सत्र थाना क्षेत्र के अंतर्गत का बता जरा। अब तमरसेपुर में भैया एक व्यक्ति की मौत हो जाती है तार को छू लेने से। अब वो बकता खेतवा का तार छूता है और खेतवा के तार में बिजली के तार से भैया करंट आ रही थी, बस उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद अब साहब कह रहे कि झटके वाले तार या बिजली वाले तार लगाने से पहले तनिक सावधान हो जाइए और तनिक साहब की बात सुन लीजिए। इनका नाम सुमित त्रिपाठी बताया जा रहा है, ईसीओ है, तनिक सुनो का बता रहे थे। एक और चीज जो हमें आम जनमानस तक पहुंचाना है, जो कि आप जो खेतों में बिजली का तार लगाते हैं वो अपने आप में इलीगल है, और सीधा अगर बिजली के तारों से इसका कनेक्शन है ये अपने आप में और बड़ी गलत बात है। तो आप लोगों को यह इसके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है और केयरफुल रहते हुए इन तारों को हटाएं आप लोग, जिससे कि अन्य जानवरों या किसी भी इंसानों की जान माल को खतरा ना हो। इसके संबंध में चारों तरफ गांव में घूम फिर के यह सूचना भी दी गई और अनाउंस भी किया गया कि जिनके जिनके खेतों में इस तरह के बिजली के तार लगे हैं उनको ये लोग हटवा लें, अदरवाइज उन लोगों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब सुमित त्रिपाठी जी की बात सुनो कि सुनो, चाचा मौसी सबके सब जान जाओ भैया। अब खेतवा में कोई तार वार तो नहीं बांधे पड़े, बांधे पड़े तो हटा दो का। साहब बता रहे थे कि मुकदमा लिख दिया जाएगा, समझो कि नहीं समझो, हटा दो भैया तार वार ना बांधो। बेचारा किसान करे तो क्या करे, तो बहुत परेशान होगा, सांड से कैसे बचावे। अब तो भैया तारों बांधे में दिक्कत है, हम करी तो क्या करे भैया। बात आप सुन लियो, दूसरी खबर देख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे हम। अब देखो उधर साफ करो, उधर थोड़ा बगैर उधर लो, उधर का भी लो एरिया, इधर का भी। ऐसे देखो ना भैया, सफाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवा रही थी, निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी नगर पालिका के चेयरमैन है भैया। अब नगर पालिका सरकार बनो बदल गई, लेकिन मशीनें सब वही हैं। अब बकायदा सफाई करवाई जा रही थी। सर आप बता दें कि शहर के जमुरिया नाले की सफाई का काम शनिवार को शुरू कर दिया गया। इस दौरान नगर पालिका की अध्यक्ष शीला सिंह मौजूद थी और बकायदा सफाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाई थी, साफ सफाई करवा रही थी। यू देखो भैया नाले की सफाई हो रही, जमुरिया नाला की सफाई हो रही है, बढ़िया पोकलेन चल रहा, जेसीबी चल रहा है। यू देखो भैया कड़ाके की धूप में सफाई व्यवस्थाओं का जायजा ले रही थी शीला सिंह। हमने कहा था आपको दिखाते हैं, आपकी कार्यक्रम कीजिएगा। तीसरी खबर देख लेते हैं। अब यू देखो भैया, भानु जी बड़ी बधाई दे रहे थे, लड्डू खिला रहे थे और शुभकामनाएं दे रहे थे। अब धर्मेंद्र यादव की घर वापसी हुई है। बबलू भैया पहले भी भारतीय किसानों ने भानु में ही थे, लेकिन यू बकायदा बीच में दूसरे गुट में चले गए थे। अब वापस से देख लो भैया, इनकी घर वापसी हुई है और युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। बहुत खिलखिला रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और अधिवक्ता लोग तो लड्डू भी खिला रहे थे, खाइए खाइए हमको भी खिलाइए, क्या बात है भैया। लड्डू खा के बहुत खिलखिला रहे, गोल गोल लड्डू खा रहे हैं, टमाटर मुँह में पानी आ गया, देखो बहुत खिलखिला। हमने कहा तरीका आपको दिखा दे कि देखो भैया प्रदेश युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं धर्मेंद्र उर्फ भैया बबलू। फिलहाल आपकी कार्यक्रम कीजिएगा वीडियो शक्ना कदम दुर्गेश शर्मा साहब को सम्मिलित दबाव बैलेंस के और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।